So today going to solve 16A, and in question number one, what we have done in question one, we have converted 16 out of 20 into percentage. Up question second mein, what we are going to do, express the fraction into percentage. Dekho, जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ मत करो, आपको सिर्फ फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है. दैट्स इट. ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है. फॉर एग्जांपल जो पार्ट वन है दैट इज 3/200, तो आप क्या करोगे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा. ठीक है, 3/2 आ जाएगा, विच मीन्स 1.5%. ठीक है, 1.5% इज द आंसर. जो आंसर आएगा उसमें परसेंट का साइन लगा देंगे. 5/6, सेकेंड क्वेश्चन है 5/6, तो ये एक फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 3s are 6 एंड 2 5s are 10, 0 एज इट इज, तो आप क्या करोगे, 5 × 50 करोगे अपॉन 3, तो इट विल बी 250/3%, और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन आल्सो. तो 250 को डिवाइड कर दो, तो 3 8s are 24, यहाँ पे 1 आ गया, 10 3 3s are 9, 1 आ गया, तो आप इसे लिखोगे 83 whole 1/3%. ओके, 83 whole 1/3%, या एंड अब अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 83.33%, तो ये आंसर भी करेक्ट होगा. Hope it is clear to everyone. Next question. 65/80, and we have to convert it into percentage. तो 65/80, मैंने आपसे क्या कहा है, परसेंट कभी भी फ्रैक्शन गिवन हो और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो बस उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 0 0 कैंसिल. What you can do, you can divide by 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10. So it is 65 multiplied by 5/4, 5 5s are 25, carry 2, 5 6s are 30, plus 2, 32/4. Divide kar do, 4 8s are 32 and 4 1s are 4. So ये हो जाएगा 81 whole 1/4%, या फिर 81.25%. ठीक है, अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो इंक्रीज कर लो और आगे करो तो आपका आंसर 81.25% आएगा, या फिर 81 whole 1/4% आएगा. सो ये आपके आंसर्स होंगे. 2/3 को आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन थ्री मैं बताने जा रहा हूं. क्वेश्चन थ्री कह रहा है एक्सप्रेस एज परसेंटेज, एक्सप्रेस एज परसेंटेज, एंड द पार्ट वन सेज 0.110. अभी तक देखो क्या था, अभी तक हमें फ्रैक्शन गिवन था और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे. और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे 100 से मल्टीप्लाई करके. अब क्या है, अब हमें डेसिमल गिवन है और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, क्वेश्चन थ्री, एक्सप्रेस इन परसेंटेज. सो 0.10, अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, इसे सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखो बेटा, 100 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसे, तो हियर यू आर हैविंग डेसिमल, डेसिमल रिमूव करोगे, 20 इंक्रीज हो जाएंगे, 100 इंक्रीज होगा डिनोमिनेटर में, 100 100 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 10. ये जो 10 है यही आपका आंसर हो जाएगा, 10%. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज 0.02.
इसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट रिमूव किया, 100 आ गया नीचे, 100 100 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 2%। इज इट सो इजी? मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ क्या कह रहा है, 0.032, इसको मल्टीप्लाई करो, 0.032 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे अब 1000 इंक्रीज होगा क्योंकि थ्री डिजिट्स है। अब 20 तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, 32/10 बचा, तो ये 3.2 हो जाएगा परसेंट, 3.2%। बेटा क्या कर रहे हो जतिन, 320% नहीं, 3.2%, ठीक है, ध्यान से करो, ज्यादा जल्दी जल्दी भागो मत, फिसल जाओगे, आराम से धीरे धीरे। देखो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो जाते हैं लेकिन जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना तो कैलकुलेशन में भी अगर मिस्टेक हो जाती है, थोड़ी सी भी मिस्टेक आपके मार्क्स को डिडक्ट कर सकती है। एंड इस बार जो है बहुत सारे अच्छे बच्चों के भी ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं हाफ ईयरली मैथ्स में, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि आप लोगों को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी आप लोग बहुत हल्के में ले रहे थे मैथ्स को, ये चीज मैंने ऑब्जर्व की थी। मैं जब कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास लेता था तो मुश्किल से कुछ ही बच्चे आते थे, तो मैथ्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को जब आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो तो फिर क्या करोगे आप लोग, तो फिर उसका रिजल्ट भी वही हुआ। आप देखिए अब आप अपने मार्क्स देखिएगा, जब हाफ ईयरली के मैथ्स के मार्क्स दिखाई आपको जब भेजे जाएंगे तब आप देखिएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मुझे कुछ बच्चों ने तो ठीक किया है, अच्छा किया है, जो जिन्होंने देखो मेहनत की है उनको रिजल्ट मिला है, जिन्होंने मेहनत नहीं की है, जो इग्नोर कर रहे थे, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास नहीं कर रहे थे, असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे थे टाइम पे, जिन्होंने इग्नोरेंस दिखाई है उनके मार्क्स भी फिर वैसे ही आए हैं, क्योंकि देखो टिट फॉर टैट होता है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि अब जो हो गया सो हो गया, मींस अगर आपके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो इट डजंट मीन कि आप जो है आप बैठ जाओ ऐसे ही और सब कुछ आप सोचो कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मुझे मेहनत नहीं करनी है। अगर आप अब भी मेहनत कर ले जाते हो तो फाइनल तक आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और ये सिर्फ आपके हाथ में है, ठीक है, वेदर यू वॉन्ट टू वर्क हार्ड और यू जस्ट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, ये आपके हाथ में, ठीक है। क्वेश्चन फोर करते हैं, क्वेश्चन फोर कह रहा है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन इन देयर लोवेस्ट टर्म, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, ऑल्सो वो कह रहा है इन देयर लोवेस्ट टर्म, इन देयर लोवेस्ट टर्म यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फिर लोवेस्ट टर्म में भी लेके जाओ, लोवेस्ट टर्म मींस रिड्यूस करो, ओके। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा अपोजिट हो गया, यानी क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है और हमें फ्रैक्शन में लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, परसेंट का साइन रिमूव करोगे। और रूल ये है, रूल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा रूल है कि वेन एवर यू रिमूव परसेंटेज साइन, जब भी आप परसेंटेज का साइन रिमूव करते हो तो अपॉन में 100 आ जाता है, ओके। तो यू हैव टू डिवाइड विद 100, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप इसे लिखोगे 8/100। मैं फिर बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, जब आप परसेंट का साइन रिमूव करोगे तो परसेंट, जैसे ही परसेंट का साइन रिमूव होगा अपॉन में 100 आ जाएगा। नाउ यू कैन डिवाइड इट बाय 2, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो आ ही गया है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आएंगे, इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 8, 2 5 10, 0 एज इट इज, नाउ अगेन 2 2 4 एंड 25 इन द डिनोमिनेटर, सो 2/25, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया एंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑल्सो, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज अच्छा सेकेंड आप खुद से करिए 20% एंड टेल मी द आंसर, ओके 2% विल बी द आंसर। फाइव क्वेश्चन, फाइव पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन फाइव पार्ट सेकेंड, 108%
एक्सप्रेस एज डेसिमल फ्रैक्शन, तो हमें इसको एक्सप्रेस करना है डेसिमल. सो 108 अपॉन 100, whenever we remove the sign of percent, we have to write 100 in denominator, we have to divide it by with 100, okay? So 1 upon 108 upon 100, now there are two zeros in the denominator, so we will put decimal after two digit from right hand side, 1, 2. So the answer will be 1.08. So now we have converted a percent number, percentage number into decimal. So this is question 5, part 2. Now question 5, part 4. So you will write 4.5 upon 100. Now remove this decimal. 45 upon 1000. Now there are three zeros in the denominator. So you have to put decimal after three digit, but there are only two digit. So hum ek zero yahan pe increase karke fir decimal lagayenge. 0.045. Yes, speak up. Sir, mujhe sir 2 ka first nahi samajh mein aaya sir. 2 ka first, okay. Question 2, part 1. Can I express the following fraction as percentage? Express as percentage. The question is 3 upon 200. तो बेटा 3 upon 200 को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कहा है कि जब भी आपको परसेंट में कन्वर्ट करना हो, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100. तो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये दो जीरो इससे कैंसिल हुए, आपका क्या आया 3 upon 2. 3 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 ones are 2, 1 इज रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 2 fives are 10. सो द आंसर विल बी 1.5%. ओके सर, आ गया समझ में, सर आ गया. कन्वर्ट करना था तो 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर में परसेंट लगा. एनी अदर डाउट? फर्स्ट का सेकंड हो गया है बेटा. फर्स्ट का सेकंड 21x आउट ऑफ 30x, तो 21 अपॉन 30. क्वेश्चन 1 पार्ट पार्ट सेकंड, 21 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व कर लेना तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. सेइंग 95%, एंड व्हाट वी हैव टू डू एक्सप्रेस इन डेसिमल. तो 95, remove the sign of percentage and write 100 in the denominator. So there are two zeros in the denominator. So we have to write decimal after two digit in the numerator. So 0.95. So we have converted our percentage into decimal fraction. That's it. This is your answer. यानी आपको decimal में convert करना था. कैसे convert? Okay sir. Okay. Any other question? No, sir. Part second. Question two, part second is 5 upon 6, and we have to convert into percentage. So 5 upon 6 multiply by 100. देखो ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. मैं फिर से बोल रहा हूँ. समझ में कैसे आएगा? आपको कॉन्सेप्ट समझना है, यानी आपको क्वेश्चन पे नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है कि अगर मैंने आपको बोला है कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है. अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन होगा, उसमें कोई भी डिजिट नंबर्स कुछ भी चेंज हो गया, आप उसे फौरन कर लोगे. बट अगर आप क्वेश्चन को पकड़ के चलोगे, तो हर क्वेश्चन अलग होता है, तो उसमें आप हर क्वेश्चन में फंस जाओगे. तो ये नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ के चलना है. जब देखो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड कह रहा है कि फॉलोइंग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू परसेंट.
तो हमने क्या बोला कि कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। तो आपने क्या किया, 5 अपॉन 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, 500 अपॉन 6 होगा। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 500 अपॉन 6, नाउ 500 को 6 से, सिक्स एट जा 48, नाउ सिक्स थ्री जा 18, सो 83 होल 2 अपॉन 6, या यहां पे आप इसको कर दो 83 होल 1 अपॉन 3 परसेंट। ओके जी, दिस इज आंसर। सो आई होप ये क्लियर होगा। ओके, और इस वीडियो का मैं YouTube पे लिंक आपको सेंड कर दूंगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 16B। क्वेश्चन 1 सेज एक्सप्रेस नंबर 1 5 rupees as a percentage of 25 rupees. 5 rupees as a percentage of rupees 25. This is the question that you have to solve. 5 rupees 25 rupees ka kitne percent banega? So I have told you ki aapko jab bhi two quantities given ho, yahan pe 5 rupees aur 25 rupees two quantities hain. तो आपको इनको जब परसेंटेज में निकालना हो तो आप क्या करोगे, स्मॉलर नंबर अपॉन लार्जर नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से करोगे। या एक दूसरा आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज ऑफ के बाद जो नंबर है वो आप न्यूमरेटर में लिखोगे, ऑफ के पहले जो नंबर है वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे एंड मल्टीप्लाई कर दोगे उसे 100 से। सो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड करो तो व्हाट विल बी द आंसर, सो द आंसर विल बी 25 वाज 25 25 4 100, सो 5 × 4 5 4 20, 20% इज द आंसर। Okay, so the answer is 20%. Next question. Next question is 90 centimeter as a percentage of 4.5 meter. 90 centimeter as a percentage of 4.5 meter. आप क्या करोगे, ऑफ के बाद वाला मैंने क्या बोला है, ऑफ के बाद वाला जो है यहाँ पे मैंने शायद रॉन्ग लिख दिया है, इसको आप करेक्ट कर लेना। ऑफ के बाद वाला जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ओके, इट शुड बी इन डिनोमिनेटर, ऑफ के बाद वाला डिनोमिनेटर में रखना है आपको। तो 90 आप न्यूमरेटर में लिखोगे, 90 सेंटीमीटर एंड 4.5 मीटर इन द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ यू कैन सी के ऊपर सेंटीमीटर है और नीचे जो यूनिट है वो मीटर है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए, बिना यूनिट सेम के तो होगा ही नहीं ना, बिना यूनिट सेम के नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? तो हमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा। आरुष इज देयर, आरुष, वेर इज आरुष? आरुष क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना याद से, ठीक है, कर जरूर लेना मुझे कॉल क्लास के बाद। आरुष कॉल मी आफ्टर द क्लास। 90 सेंटीमीटर अपॉन 4.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये भी हमने कर लिया साथ ही साथ। ओके, नाउ
यू विल राइट 90 अपॉन 4.5 पॉइंट, यहां से रिमूव करेंगे ऊपर एक 10 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो 90 इंटू 10 अपॉन 45 इंटू 100 इंटू 100, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 100 100 कैंसिल हो जाएगा एंड 45 वन 45, 45 टू 90, तो 2 इंटू 10 आपको मिलेगा, यानी कि 20% आंसर जो है अगेन 20% है, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। अब देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड। तो 40 पैसे को 2 रुपीज के परसेंट में कन्वर्ट करना है, 2 रुपीज नॉट 20, ओके। सो हमें 2 रुपीज, तो अभी क्या करेंगे, 40 स्मॉलर है तो स्मॉलर ऊपर रहेगा और रुपीज 2 इन शुड बी इन डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो हम क्या करेंगे, अब देखो ये पैसे में है ये रुपीज में है, तो क्वांटिटीज तो सेम नहीं है, तो क्वांटिटीज को सेम करना पड़ेगा, और क्वांटिटीज को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 पैसा अपॉन 2 इंटू 100 पैसा मल्टीप्लाई बाय 100, पैसा पैसा कैंसिल, 100 100 कैंसिल, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 20 आ गया। सो आंसर आपका 20% होगा, ओके। ये 2 का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट इसका देखेंगे, कह रहा है 42 सेकेंड्स कॉमा 6 मिनट्स, 42 सेक कॉमा 6 मिनट्स। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 42 सेकेंड अपॉन 6 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है 42 सेकेंड एंड यू हैव टू चेंज मिनट इनटू सेकेंड, तो उसके लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, ताकि ये सेकेंड में चेंज हो जाए मल्टीप्लाई बाय 100, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा एंड 6 सेवन जा 42, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा 7 into 100, दिस 7 into this 100, ठीक है, अपॉन 60, तो 0 0 कैंसिल, 2 5s are 10, 2 3s are 6, यहाँ पे आ जाएगा 7 into 5 35 upon 3, तो आप इसे कर सकते हो, 35 upon 3 को अगर आप 3 से डिवाइड करो 35 को, तो 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3 2, तो 11 होल 2 upon 3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आई एम रिकॉर्डिंग दिस आल्सो, तो आप उसे देख सकते हो यूट्यूब पर, ठीक है, इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन 3? आज बहुत कम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं कमेंट में, आई डोंट नो व्हाई, although there are 30 students in the class but still some of you are not replying. Now question 3 says find the value of each of the following, find the value of each of the following, and part 1 is 20% of rupees 150. अब देखो 20% of rupees 150 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 20% का साइन रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। पहले हमने 20 लिखा, फिर परसेंट साइन रिमूव किया तो अपॉन में 100 आ गया, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई लिखना है एंड 150, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 0 इसके साथ कैंसिल हुआ, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया जो कि लिखते नहीं है, फाइनली न्यूमरेटर में 2 into 15 आ जाएगा एंड 2 into 15 is 30, सो दिस इज द वैल्यू 30 rupees। डोंट फॉरगेट टू यूज द साइन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन में साइन गिवन है, जो क्वेश्चन में यूनिट गिवन है, वही हमें आंसर में यूज करनी है, एंड 30% आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा 30% इज नॉट द आंसर, 30 इज द आंसर, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, ओके। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 सेज 7.5% ऑफ 500 किलोग्राम्स, 7.5% ऑफ 500 किलोग्राम,
So let us solve this. 7.5 upon 100 multiply 500. तो 0020 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया. आपके पास क्या आ गया, 7.5 into 5 आ गया. इसको मल्टीप्लाई कर लो. 5 5s are 25, 2 carry 5 7s are 35 plus 2 36 37. ठीक है, तो 37.5 किलोग्राम. दिस इज द आंसर. ओके, इट्स ओके तलहा. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड यू हैव टू डू in this way. Now question 4, if a man spends 70% of his income, what percent does he save? Question 4 says, if a man spends 70% of his income, what percent does he save? Okay, so this is the question. अभी देखो क्या है कि अगर एक person है वो 70% अपनी income का क्या करता है, spend करता है, खर्च करता है. 70% खर्च करता है तो कितने परसेंट सेव करेगा? तो हम जानते हैं टोटल जो होता है, क्योंकि परसेंट मैंने आपको बताया था, परसेंट का मतलब ही होता है 100%. टोटल 100% होता है जिसमें से वो स्पेंड कर रहा है 70%. तो सेव वो कितना करेगा, 30% सेव करेगा. 100 माइनस 70, तो वो 30% सेव करेगा. ठीक है, दिस इज सो सिंपल. क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 कह रहा है, a class contain 25 children of which 6 are girls. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. क्वेश्चन 6 कह रहा है, एक क्लास है जिसमें 25 चिल्ड्रन है. आई होप आपके सामने आपकी बुक ओपन होगी और पेज नंबर 150 भी ओपन होगा. ठीक है, अगर नहीं ओपन है तो ओपन कर लीजिए. सो क्वेश्चन 6 सेज, एक क्लास है उसमें 25 चिल्ड्रन है, तो नंबर ऑफ children in class is equal to 25. ठीक है, 25 children है, out of which 6 are girls. तो number of girls जो है 6 है. Okay, number of girls 6 है. Which is the percentage of what is the percentage of boys in the class? Class में boys की percentage क्या है? तो देखो, first of all तो हमें कितने boys हैं वो find करना होगा. तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने के लिए 25 टोटल में से गर्ल्स के नंबर को माइनस करेंगे, तो 19 बॉयज हैं. अब बॉयज की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ बॉयज फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास फाइंड करनी है. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज हैं वो आप देखोगे, अपॉन टोटल, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं वो देखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से. ठीक है, ये काम करो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ. तो नंबर ऑफ बॉयज 19 है अपॉन टोटल 25 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. तो 25 ones are 25, 25 fours are 100. यहाँ पे आ जाएगा आपका 19 to 4, यानी के 76%. ये है नंबर ऑफ, नो नॉट नंबर ऑफ बॉयज, but this is percentage of the boys in the class. Is it clear everyone? Is it clear to everyone? Okay, now question next is, an alloy of copper and zinc contain 45% of copper. This is question 8. Okay, it says ke ek alloy hai, alloy jisme copper hai और जिंक है, यानी दो मेटल्स हैं, दो मेटल्स से मिलके एक अलॉय बनता है ना. तो एक अलॉय है जिसमें कॉपर एंड जिंक है, जिसमें 45% कॉपर है और बाकी जिंक है. तो कॉपर अगर 45% है तो जिंक कितना होगा, 100 में से 45 माइनस कर दो,
55 आ गया, इसका मतलब जिंक जो है वो 55 होगा. ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ जिंक इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट यू कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ जिंक बिकॉज दिस अलॉय कंटेन्स ओनली टू मेटल्स विच इज कॉपर एंड जिंक. And the percentage of copper is 45%. So obviously, the percentage of zinc will be 55% when we subtract 45 from 100. So now, आगे question क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि find the weight of zinc in 20 kilogram of alloy. अगर आपका जो alloy है वो 20 kg है, अगर 20 kg अलॉय है तो जिंक कितने किलो है, कितने किलोग्राम जिंक है, फाइंड द वेट ऑफ जिंक. तो पहले हम इसे लिखेंगे कैसे, देखो थ्योरी कैसे लिखनी है. आप लिखोगे वेट ऑफ अलॉय इज गिवन, ठीक है, वेट ऑफ अलॉय इज गिवन विच इज 20 किलोग्राम एंड परसेंटेज ऑफ कॉपर इज गिवन विच इज 45 किलोग्राम एंड परसेंटेज ऑफ जिंक इज नॉट गिवन बट वी कैन फाइंड इट by 100 minus 45 is equal to 55%. So percentage of zinc is also given. Although, अभी हमें find क्या करना है, वो भी ध्यान में रखना है. देखो, जब हम question करते हैं, तो हम ध्यान में ये जरूर रखते हैं कि दिमाग में ये रख के चलना होता है कि हमें find क्या करना है. वो कह रहा था find the weight of zinc. Zinc कितना है? तो weight of zinc find करने के लिए हम क्या करेंगे? Zinc का percentage, sorry, आप सिंपली लिखो 55% ऑफ 20 केजी, ये आप लिख लो. ये मैंने क्यों लिखा है पहले इसे ध्यान से, बेटा 11 केजी इज द आंसर, बट सॉल्व करके आंसर लिखो, ठीक है, पीछे से कोई देख के आंसर नहीं बताएगा, मुझे पता है सब एक से बढ़कर एक कलाकार है. 55% ऑफ 20 किलोग्राम, तो 55/100 मल्टीप्लाई. अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो ये मेन चीज है. अगर आप ये नहीं लिखोगे, ये यहां तक अगर आप पहुंच गए तो आप समझ लो पूरा क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है. लेकिन ये अगर ये नहीं लिख पा रहे हो, या इसका मतलब नहीं समझ में आया, या तुम ये सोच रहे हो कि सर ने ये क्यों लिखा है और कैसे लिखा है, तो फिर क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे. 55% ऑफ 20 केजी का मतलब ये है, क्योंकि जिंक का जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज है जो जिंक का, वो 55 है. तो हम वेट निकालने के लिए जो टोटल अलॉय का वेट है उसका 55% निकाल लेंगे, ठीक है. तो इसलिए मैंने लिखा है 55% ऑफ 20 केजी. तो 55, अब इसके आगे तो सॉल्व करना आपको आता ही है, क्योंकि परसेंट का साइन रिमूव करोगे अपॉन में 100 आएगा, ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई आएगा 20. अब यहां से कर लो 00 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका 55 × 2/10. 55 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 110/10 आ जाएगा. तो 00 कैंसिल हो जाएगा और 11 किलोग्राम ये आपका वेट आ जाएगा जिंक का, ठीक है. बेटा ये क्वेश्चन ना, इसको टिक कर लो, इस पे लिख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 10 कह रहा है 60 मोर सोल्जर्स ज्वाइन अ कैंप of 500 soldiers, what percentage of the earlier soldier do they make? अब देखो ये कह रहा है question कि पहले एक camp था, उसमें 500 soldiers थे, और अब 60 soldiers और आ गए, तो अब कितने हो गए, अब हो गए 560 soldiers. तो question ये कह रहा है कि what percentage of the earlier soldier do they make? पहले जितने soldier थे, अब जो सोल्जर हैं उनके, उनकी परसेंटेज क्या बन रही है, मींस पहले के कंपैरिजन में अब जो है परसेंटेज क्या बन रही है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्लियर सोल्जर डू दे मेक. मींस आप देखो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, मैं बता रहा हूं. आप सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ सोल्जर्स earlier is equal to 500. Agree with me? सभी लोग agree कर रहे हैं. पहले number of soldier 500 थे, अब number of soldier कितने हैं? Number of soldiers later is equal to 500 plus 60 is equal to 560. आप देखो यहाँ पे हमें ये question पूछ रहा है कि अब बाद में जो soldier हुए हैं
पहले सोल्जर जितने थे उनके कंपैरिजन में परसेंटेज क्या बन रही है. इट मींस के व्हाट इज द परसेंटेज, लाइक हमें मैंने परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या बताया था, स्मॉलर नंबर अपॉन लार्जर नंबर मल्टीप्लाई बाय 100. तो हम क्या करेंगे, 500 अपॉन 560 मल्टीप्लाई बाय 100. इसको सॉल्व करो. Solve करो एंड टेल मी द आंसर. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज लाइक, यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ से क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा. क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60 सोल्जर्स अर्लियर सोल्जर का कितना परसेंट है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है. ठीक है, 60 सोल्जर्स अर्लियर सोल्जर्स के कितने परसेंट है. न्यू सोल्जर्स हम लिखेंगे यहाँ पर, न्यू सोल्जर्स इज इक्वल टू 60. न्यू सोल्जर 60 हैं, तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे, 60 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो यहाँ पे 20 कैंसिल हो जाएंगे और 60 अपॉन 5 आ जाएगा, तो फाइनली आंसर आपका 12% होगा. ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन 12. Question 12 says, Mr. Sharma has a monthly salary of 8,000 rupees. Okay. Monthly salary of Mr. Sharma is equal to rupees 8,000. Then, if he spends 6,400 every month, तो उनके जो expenditures हैं, वो हैं 6,400 rupees every month. ठीक है, उनकी जो monthly salary है वो 8,000 है, वो spend करते हैं 6,400. तो find his money expenditure as percentage. तो part one में find करना है money एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर का परसेंट निकालना है, तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंस मैं लिख रहा हूं, एक्सपेंस अपॉन सैलरी जो टोटल है इनटू 100 कर दोगे आ जाएगा. तो एक्सपेंडिचर इज 6,400 अपॉन 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 6400 अपॉन 80. बेटा इसे सॉल्व करो, जीरो कैंसिल करो, 80% आ गया. तो उनका जो एक्सपेंडिचर परसेंट है दैट इज 80%. और पार्ट सेकंड में क्या पूछ रहा है, कह रहा है हिज मंथली सेविंग एज परसेंटेज. तो पहले तो सेविंग निकालनी पड़ेगी, तब सेविंग का परसेंट निकालेंगे. तो सेविंग कैसे निकालेंगे, सेविंग निकालेंगे सैलरी सैलरी माइनस एक्सपेंस. तो सैलरी कितनी है, सैलरी है 8,000, एक्सपेंस है 6,400. तो उनकी सेविंग कितनी आएगी बेटा, टेल मी, सेविंग विल बी 1,600 रुपीज. दिस विल बी द सेविंग. नाउ सेविंग परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेविंग परसेंटेज निकालने के लिए सेविंग अपॉन टोटल, यानी कि टोटल सैलरी उनकी जो थी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. तो क्या हो जाएगा, 1600 अपॉन 8000 मल्टीप्लाई बाय 100. 00 कैंसिल हुआ, 10 इससे कैंसिल हुआ, 8 2 16, 0 आ गया. तो 80% उनकी सेविंग, सॉरी एक्सपेंडिचर परसेंट 80% था, और उनकी जो सेविंग परसेंट है वो 20% है. अच्छा, एक चीज आप ऐसे भी ध्यान, मतलब इसको सेकंड पार्ट को आप इजीली ऐसे भी कर सकते थे कि जाहिर सी बात है कि अगर सेविंग परसेंट निकालना है तो आप डायरेक्ट 100% में से उनका एक्सपेंडिचर परसेंट जो कि 80% था वो कर देते, तो 20% सीधे सीधे आ जाता, वैसे भी आ जाता, और इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है, so this was question 12. Now question 14 करेंगे.
क्वेश्चन 14. इन अ सेल द प्राइस of an article is reduced 30% if the original price of the article is 1800 fine. देखो अब क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेल लगी हुई है, ठीक है, और उस सेल में एक एक आर्टिकल है, कोई भी चीज है, उसका प्राइस 30% कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है. अगर उसका ओरिजिनल प्राइस 1800 है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओरिजिनल प्राइस उस आर्टिकल का 1800 रुपीज है, लेकिन उस पे 30% ऑफ हो गया है. आप ये कह सकते हो कि उसका जो प्राइस रिड्यूस है, प्राइस रिड्यूस्ड हुआ है, वो 30% हुआ है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल. तो कितना प्राइस रिड्यूस हुआ है वो बताना है पार्ट वन में. रिडक्शन इन प्राइस, यानी उसके प्राइस में कितना रिड्यूस हुआ है. अगर 1800 उसका ओरिजिनल प्राइस है, तो अब कितना रिड्यूस हो गया है. ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए वी विल फाइंड द 30% ऑफ 1800. 30% ऑफ 1800, इसको सॉल्व कर लो. कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी बार तो बता चुके हैं, बार बार बताते हो अच्छा भी नहीं लगता है. 30/100 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1800 करेंगे, ठीक है. तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 30 × 18, तो इट विल बी 540 रुपीज ऑफ हो गया. यानी 540 रुपीज अब उसका प्राइस कम हो गया है. दिस इज द रिडक्शन इन प्राइस. ये रिड्यूस प्राइस नहीं है जतिन, ये रिड्यूस प्राइस नहीं है. रिड्यूस प्राइस का मतलब होता है कि अब नया वाला प्राइस कितना है, और रिड्यूस प्राइस पूछा गया है सेकेंड पार्ट में. तो रिड्यूस प्राइस प्लीज मत लिखिए इसे, इसे लिखिए रिडक्शन इन प्राइस. यानी प्राइस में कितना कम हुआ, कितना प्राइस में कितनी छूट मिल गया, कितना डिस्काउंट मिल गया, वो यहाँ पर आया. लेकिन रिड्यूस प्राइस का मतलब ये होता है कि नया प्राइस अब क्या है, रिड्यूस प्राइस, वो हमें निकालना है पार्ट सेकेंड में. तो रिड्यूस प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिड्यूस प्राइस ऑफ द आर्टिकल फाइंड करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, उसके ओरिजिनल प्राइस में से उसका डिस्काउंट माइनस कर दो. यानी अगर कोई चीज 1800 रुपीज की थी एंड नाउ उसमें 540 रुपीज कम हो गए, तो अब आपको वो कितने रुपए की पड़ेगी, तो वो फाइंड करने के लिए आप उसको सब्ट्रैक्ट ही तो करोगे. 1800 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 540 को, तो आंसर विल बी, कैन यू फाइंड द आंसर. 1800 में से 540 को जल्दी से माइनस करो. ₹1260. ओके, 1260 रुपीज, दिस इज द न्यू प्राइस. फाइन, चलो अब क्वेश्चन, हमारे पास सभी थोड़ा टाइम है, तो हम क्वेश्चन 15 जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन 15 पार्ट वन, ठीक है. 30%, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. 30% ऑफ, बहुत सिंपल भी है. 30% ऑफ 250 प्लस 20% ऑफ 450 माइनस 25% ऑफ 600, इसे सॉल्व करना है. देखो अभी यहां पर आप देख रहे हो, ये अलग क्वेश्चन है, एक ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है. इन तीनों को आप सॉल्व करो एक ही स्टेप में, ठीक है. तो हम इसे लिखेंगे 30% का साइन रिमूव करेंगे अपॉन 100, मल्टीप्लाई ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई और 250, प्लस लगाएंगे 20% का साइन रिमूव करेंगे अपॉन 100 आएगा, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई 450, माइनस अगेन 25% का साइन रिमूव किया अपॉन 100, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई इनटू 600. जीरो यहां से कैंसिल हुआ, एक जीरो यहां से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 3 × 25. इस पूरे के प्लेस पे 3 × 25 आया, प्लस लगाया, ये जीरो इससे कैंसिल किया, ये जीरो इससे कैंसिल किया, क्या आया आपके पास, आया 2 × 45, माइनस यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, क्या आ रहा है 25,
इंटू 60, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 75 प्लस यहाँ पे 45 इंटू 2 90 होता है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 150, अब 75 प्लस 90 करो कितना हो जाएगा 165 माइनस 150, सो आंसर कितना होगा बेटा? अरे जतिन ये तुमने जीरो जीरो कैसे लिख दिया है, ये जीरो कैसे लिख दिया है भाई, जीरो आंसर कैसे आ जाएगा? भाई जीरो कैसे आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आंसर तो होगा 15 आंसर होगा, जीरो कैसे हो जाएगा? 200 इज देयर इन, अच्छा अच्छा ठीक है ओके, तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यारूश तुम्हें हिंदी लिखने का बहुत ज्यादा लग रहा है आज, हिंदी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो रहा है। हाँ उत्तर एंड आरुष कॉल मी आफ्टर द क्लास, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने तरीका बता दिया है, मेथड बता दिया है दैट हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 15 का सेकेंड पार्ट आप खुद से करोगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी।